लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस। इसका सिनोनिम है प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ अननोन एटियोलॉजी, ऑफन नोटिस जस्ट प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन। ये क्या है? एक साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसकी एटियोलॉजी अननोन है, और ये कब देखने को मिलता है? जस्ट प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले देखने को मिलता है। देर इज़ अ साइक्लिक अपीयरेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 to 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं लास्ट 7 to 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज देखने को मिलेंगे? तो कोई ऑर्गेनिक लेजन्स नहीं रहेगा, नो रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिक लेजन्स। रेगुलरली अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ ईच ओविलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ल्यूटियल फेज होती है ईच ओविलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसमें ये देखने को मिलेगा। वो सिम्टम जो है वो मस्ट बी सीवियर इनफ टू डिस्टर्ब द लाइफ स्टाइल ऑफ द वुमेन और सी रिक्वायर मेडिकल हेल्प। मतलब कि इतने इनफ रहेंगे सिम्टम्स की उसकी लाइफ स्टाइल जो है वो अफेक्ट होगी और उसको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। सिम्टम्स फ्री पीरियड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द साइकिल। मतलब कि जो साइकिल है उसके जस्ट प्रायर तो सिम्टम रहेंगे, लेकिन उसके बीच में नहीं रहेंगे। फ्री सिम्टम फ्री पीरियड भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई सिम्टम नहीं रहेंगे। तो जो बची हुई साइकिल है उसमें कोई सिम्टम नहीं रहेंगे। अब इसके बाद व्हेन दी सिम्टम डिस्टर्ब डेली फंक्शनिंग दे आर ग्रुप अंडर द नेम ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल डिसफोर्बिक डिसऑर्डर। यहाँ पे पीएमडीडी मतलब प्री मेंस्ट्रुअल डिसफोर्बिक डिसऑर्डर, जो कि इतने ज़्यादा अफेक्ट करे कि वो डेली फंक्शन ना कर पाए, डेली एक्टिविटीज़ ना कर पाए। तो ये हो गया। इसके बाद फिजियोलॉजी क्या है इसकी? द एग्जैक्ट काज जो है वो पता नहीं है, नॉट नोन, बट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस आर पोस्टुलेटेड। अल्टरेशन इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड ल्यूटियल फेज। यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल मिड ल्यूटियल फेज में अल्टर होने लगता है, बदलने लगता है। आइदर देयर इज़ अ अल्टर्ड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो जो है वो भी चेंज हो गया, या डिमिनिश प्रोजेस्टेरोन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया, ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो रेशियो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक काज हो सकता है। न्यूरोएंडोक्राइन फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और गामा अमाइनो बीटा एसिड। सेरोटोनिन क्या करता है? एज एन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन इज ऑब्जर्व्ड इन अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम पीएमएस। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की जो वुमेन होती है उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीएनएस से निकलता है, तो वो ल्यूटियल फेज में डिक्रीज हो जाता है, उसका सिंथेसिस कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ल्यूटियल फेज में सेरोटोनिन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, सिंथेसिस। एंडोर्फिन की बात करें तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या होता है कि द सिम्टम कॉम्प्लेक्स ऑफ पीएमएस इज थॉट टू बी ड्यू टू विड्रॉल ऑफ एंडोर्फिन्स। न्यूरोट्रांसमीटर है एंडोर्फिन, तो उसका सीएनएस से जो विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ल्यूटियल फेज के दौरान, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है पीएमएस के सिम्टम्स आएंगे। और गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड तो सप्रेस द एंजाइटी लेवल इन द ब्रेन, मेडिकेशन दैट आर गाबा एगोनिस्ट वर आर इफेक्टिव। तो ये क्या करता है? एंजाइटी लेवल को सप्रेस करता है गाबा। तो ये कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो कि इसके एगोनिस्ट होते हैं, तो वो इफेक्टिव होते हैं इसमें पीएमएस में। साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल फैक्टर्स में इन्वॉल्व इन द टू प्रोड्यूस बिहेवियर चेंजेस। जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। और अदर्स क्या क्या होते हैं? वेराइटी ऑफ फैक्टर हैव बीन मेंशन टू एक्सप्लेन द सिम्टम कॉम्प्लेक्स ऑफ पीएमएस। देयर आर थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, रेनिन, एंडोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड अदर्स। अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज कंक्लूसिव। तो कुछ अदर्स भी होते हैं जैसे कि टीएसएच, टीआरएच, एंडोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिंस, रेनिन, ये प्रोलैक्टिन, इनकी वजह से भी एसोसिएशन हो सकता है, इनका रोल भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या कहते हैं? पीएमएस इज मोर कॉमन इन अ वुमेन एज 30 to 45 एज ग्रुप की फीमेल्स में पीएमएस देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन,
और इट मे रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ और डिस्टर्बिंग लाइफ इवेंट। चाइल्ड बर्थ से भी रिलेटेड हो सकता है और लाइफ इवेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है कोई, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। देयर आर नो एबनॉर्मल पेल्विक फाइंडिंग, कोई एबनॉर्मल पेल्विक फाइंडिंग नहीं रहती एक्सेप्टिंग फीचर्स ऑफ पेल्विक कंजेशन, केवल पेल्विक कंजेशन देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं होगी। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके लिए? आज द एटियोलॉजी इज मल्टी फैक्टोरियल एंड टू ऑफन ऑब्सक्योर, वेरियस ड्रग आर यूज अदर और स्पेकुलेशन और एम्पेरिकली विथ वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कंजेस्टिव बिहेवियर थेरेपी, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको बिहेवियर थेरेपी देंगे। इसके अलावा चूँकि मल्टी फैक्टोरियल है तो इसके लिए अपन को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और ये कुछ हद तक सक्सेस मिलेगी इन सबसे। और इसके अलावा जनरल नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या रहेगा, जिसमें कोई मेडिकेशन नहीं देंगे, तो उसमें अश्योरेंस, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मैनिपुलेशन, उसकी डाइट को मैनेज करेंगे, योगा एक्सरसाइज के लिए कहेंगे, उसको अश्योर करेंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ है। अवॉइडेंस ऑफ साल्ट, कैफीन एंड अल्कोहल, साल्ट, कैफीन, अल्कोहल को अवॉइड करवाएंगे, स्पेशली सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ इम्प्रूव द सिम्टम, मतलब सेकेंड हाफ साइकिल में इस तरीके के अवॉइड करवाएंगे अल्कोहल, कैफीन और साल्ट को। नॉन हार्मोनल में क्या क्या चाहिए, ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट रख देते हैं, और पायरिडॉक्सिन 100 mg ट्वाइस डेली, पायरिडॉक्सिन जो 100 mg ट्वाइस देते हैं ये भी हेल्पफुल होता है ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में पायरिडॉक्सिन हेल्पफुल है, तो ये पिल जो कि डिप्रेशन को कम करेगी। इसके अलावा डायरेटिक्स जो होते हैं वो भी सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फ्रूसेमाइड 20 mg डेली फॉर कंसेक्यूटिव 5 days अ वीक, रिड्यूस ब्लड रिटेंशन, तो कुछ डायरेटिक्स दिए जाते हैं जैसे कि फ्रूसेमाइड। इसके अलावा एंजाइलाइटिक एजेंट जैसे कि एंजाइटी है तो उसके लिए अपन क्या एल्प्राजोलाम, 0.25 mg BID ये देते हैं ल्यूटियल फेस ऑफ साइकिल में। और सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड नोर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRI, तो नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये भी इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा फ्लुक्सेटाइन जो है वो क्या होता है, एंटी डिप्रेशेंट होता है, ये इनहिबिट करता है न्यूरोनल अपटेक ऑफ सेरोटोनिन, और अ सिंगल ओरल डोज ऑफ 20 mg वाज फाउंड टू इम्प्रूव द साइकेट्रिक एंड बिहेवियर सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली, तो फ्लुक्सेटाइन एंटी डिप्रेशेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ड्रग आर यूजुअली प्रिस्क्राइब एटलीस्ट 2 days प्रायर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड टू बी कंटिन्यू टिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, जब तक मेंस्ट्रुएशन आ जाता है तब तक इसको दिया जाता है, और 2 दिन पहले, जब तक सिम्टम आने से 2 दिन पहले से स्टार्ट किया जाता है। अदर ड्रग यूज जैसे कि सर्टेलाइन 50 mg पर डे और वेनेलेक्सेफाइन, वेनलाफेक्साइन ये भी देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हार्मोन्स की, तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू प्रिस्क्राइब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, द आइडिया इज टू सप्रेस ओवुलेशन एंड मेंटेन टू यूनिफॉर्म हार्मोनल मिलियो, जो नॉर्मल हार्मोनल मिलियो है उसको मेंटेन करने के लिए, ओवुलेशन को सप्रेस करने के लिए OCPs यूज़ की जाती है। द थेरेपी इज़ टू बी कंटिन्यू 3-6 साइकिल, लीवर OCPs कंटेन प्रोजेस्टिन, ड्रोस्पिरेनोन और प्रोजेस्टिन इसमें रहता है लीवर OCPs में। इट हैज एंटी मिनरलोकोर्टिकोइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, और ड्रोप्सी रेनोन जो है उसमें क्या रहता है कि सिम्टम्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी वो, तो हमें ये याद रखना है कि OCPs भी दी जाती है 3-6 साइकिल तक कंटिन्यू करते हैं उसको। प्रोजेस्टोन इज नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग PMS, लेवेंजेस्ट्रोल इंट्राउटराइन सिस्टम हैड बीन यूज टू सप्रेस ओवेरियन साइकिल, लेवेंजेस्ट्रोल जो है उसका यूज़ किया जाता है, लेवेंजेस्ट्रोल इंट्राउटराइन सिस्टम IUS उसका यूज़ किया जाता है, और LIUS, ठीक है, स्पायरो
नो लेक्टोन, स्पायरल नो लेक्टोन जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ये भी एक तरीके का डायूरेटिक है। इट हैज़ एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। इसको भी ल्यूटियल फेज में दिया जाता है, और ये पीएमडीडी को भी मतलब कि जो पीएमडीडी था जिसमें कि लाइफ स्टाइल भी अफेक्ट हो रही थी डेली की, उसको भी सही करने में हेल्पफुल होगा। ब्रोमोक्रिप्टानाइन, ब्रोमोक्रिप्टानाइन जो है उसको भी 2.5 mg डेली और ट्वाइस डेली यूज़ किया जाता है, ब्रेस्ट कंप्लेंट में हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सप्रेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल को सप्रेशन करने के लिए कुछ एंडोजीनियस, सप्रेशन ऑफ एंडोजीनियस ओवेरियन साइकिल कैसे करते हैं, जैसे कि डेनाजोल 200 mg डेली, ठीक है, इससे एमेनोरिया प्रोड्यूस होगा डेनाजोल से। और बेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी एडवाइज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो डेनाजोल का जो ट्रीटमेंट लिया जाता है ये एमेनोरिया प्रोड्यूस करेगा और बेरियर मेथड यूज़ करने के लिए एडवाइस करते हैं। इसके अलावा GnRH एनालॉग, जिसमें क्या होगा, गोनाडाल स्टेरॉइड आर सप्रेस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GnRH, तो जो गोनाडाल स्टेरॉइड्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं GnRH के द्वारा, तो एगोनिस्ट फॉर 6 मंथ। GnRH एनालॉग इन PMS आर यूज, कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इटियोलॉजी को असेस करने के लिए, और साथ में बायलेटरल ओफेरेक्टोमी, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे द प्रिपरेशन एंड डोज यूज आर एज गिवन, कौन कौन से डोज, जैसे जोलाडेक्स या गोसेरेलिन, इसके अलावा ल्यूप्रोलिन एसिटेट, ये दिया जाता है प्रोस्टेप के नाम से, और ये डिकेप्टाइल, तो ये ड्रग्स है। रिजल्ट्स ऑफ GnRH एगोनिस्ट थेरेपी आर ड्रामेटिक, अब GnRH एगोनिस्ट थेरेपी इज कम्बाइंड विथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन एड बेक टू कम्बेट द हाइपर हाइपोस्ट्रोजेनिक सिम्टम्स, और ओफेरोटोमी फेरेक्टोमी कब की जाती है, इट इज स्टेबलाइज केसेस ऑफ प्राइमरी PMS विथ रीअकरेंस ऑफ सिम्टम एंड अप्रोचिंग टू मेनोपॉज, हिस्टेरेक्टोमी विद बायलेटरल ओफेरेक्टोमी इस लास्ट रिजॉर्ट, जब मेनोपॉज वाली एज पे इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तब ओफेरेक्टोमी कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं। देन इसके बाद आता है सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ PMS एंड PMDD, तो PMDD क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोबिक डिसऑर्डर्स, और PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो रिलेटेड टू वाटर रिटेंशन। अब यहाँ पे सिम्टोमेटोलॉजी देखते हैं, वाटर रिटेंशन से रिलेटेड कौन कौन सी सिम्टोमेटोलॉजी है, एब्डोमिनल ब्लोडिंग, ब्लोडिंग देखने को मिलेगा, फूल जाएगा वाटर रिटेन हुआ तो, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, वेट गेन और स्वेलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि वाटर रिटेन हुआ है तो उससे एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग, एब्डोमन जो है ब्लोटेड, वेट गेनिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस। न्यूरोसाइकोट्रिक सिम्टम्स में क्या क्या रहेगा, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, फॉरगेटफुलनेस, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज एपेटाइट, टीयरफुलनेस, एनजाइटी, टेंशन, कन्फ्यूजन, हेडेक, एंगर, तो ये न्यूरोसाइकोट्रिक सिम्टम्स हैं, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, फॉरगेटफुलनेस, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज एपेटाइट, टीयरफुलनेस, एनजाइटी, टेंशन, कन्फ्यूजन, हेडेक एंड एंगर। बिहेवियरल सिम्टम कौन कौन से होते हैं, फटीक, टायर्डनेस, इंसोमनिया, डिस्पैरेनिया, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं।